तो हे गाइस, कैसे? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करेंगे जेप मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के बारे में। जेप मनी पर्सनल लोन एप्लीकेशन के कैसे यूज कर सकते हो और इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, कैसे नहीं, चलिए मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा कि जेप मनी एप्लीकेशन को कैसे यूज करके आप लोग यहाँ पर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ये एप्लीकेशन रियल है या फेक है, कैसे आप लोग यहाँ पर इस एप्लीकेशन के अंदर लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ मैं आप लोग को इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो फटाफट वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो गाइस, फटाफट एप्लीकेशन को क्या करते हैं, ओपन करते हैं और आप लोग को बताते हैं कैसे आप लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे ओपन वाले बटन के ऊपर क्लिक करते हैं और एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और आपको बताते हैं सो कैसे आप लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जेप मनी एप्लीकेशन ओपन हो चुका है, जैसे यहाँ पर हम यहाँ पे देख रहे हो यहाँ पे लिखा हुआ है गेट इन्वेस्ट लोन अप्रूवल, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो क्लिक कर दो दोस्तों, यहाँ पे आप लोग को वापस यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट और यहाँ पे मोबाइल नंबर से आपको रजिस्टर कर लेना है, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, अपना मोबाइल नंबर हम यहाँ पे फटाफट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे आप लोग को मैं फटाफट यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डाल के रजिस्टर कर लेता हूँ, ठीक है। जैसे यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल के ओटीपी यहाँ पे डाल के रजिस्टर कर लेते हो तो दोस्तों यहाँ पे एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगी। आपको यहाँ पे लोकेशन, कंटेंट, फोन का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। आपको क्या करना है, एक्सपेक्ट एंड कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है नीचे। सो क्लिक करते हैं, यहाँ पे विल विदिन दिस ऐप के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो क्लिक करते दोस्तों यहाँ पे वापस से आप लोग यहाँ पे ओनली दिस टाइम कर सकते हो या लोकेशन को कर सकते हो। तो यहाँ पे लोकेशन वाले ऑप्शन पर क्लिक करना, अलाउ कर देना, ठीक है। जिंदा बार भी आपसे अलाउ मांगता है, इस एप्लीकेशन को अलाउ कर देना है। सो अलाउ करते हैं, यहाँ पे वापस इसके ऊपर आपको क्लिक करके ओपन कर देना है कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर क्लिक करके, ठीक है। सो यहाँ पे वेट करते हो दोस्तों, एप्लीकेशन कुछ इस तरह से ओपन हो जाएगा। आप यहाँ पे स्टूडेंट हो, यहाँ पे जो भी हो, तो यहाँ पे स्टूडेंट के ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे गवर्नमेंट इशूज आईडी, आधार कार्ड, पैन कार्ड, कॉलेज आईडी और बैंक डिटेल्स आपको लगेंगे, तो कंटिन्यू कर देना है। कंटिन्यू के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ जो भी आप लोग को यहाँ पे आप लोग को डाल देना है, तो मैं भी यहाँ पे अपना जो भी है मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे टाइमिंग वगैरह भी आपको सेलेक्ट कर लेना है, जो भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। भाई मैं यहाँ पे अपना डाल देता हूँ फटाफट, बहुत ही आसानी से आप लोग को क्या करना है, ये सब सारी की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डाल लेनी है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ और यहाँ पे आपका डेट यहाँ पे डाल के आपको क्या करना है, जो भी आपके पास आईडी है ना वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो इनमें से मेरे पास पैन कार्ड है और पैन कार्ड आपको डाल देना है, पैन कार्ड नंबर, ठीक है। पैन कार्ड नंबर डाल को यहाँ पे डाल के आपको रजिस्टर कर लेना है। पेन कार्ड नंबर करने के बाद यहाँ पे पेन कार्ड नंबर डालने के बाद आपको क्या करना है, कंटिन्यू वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। सो क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, जैसे आप सब यहाँ पे देख रहे हो। थोड़ा सा वेट करना है, जैसे अगर आपका पेन कार्ड नंबर सही रहेगा तो आपकी डिटेल्स यहाँ पे, जैसे मेरा नाम आ चुका है, लास्ट नाम आ चुका है और यहाँ पे जैसे देख रहे हो सरनेम वगैरह सब कुछ यहाँ पे आ चुका है, ठीक है ना। आपको क्या करना है, अगर मेल हो तो मेल के ऊपर क्लिक कर देना। आपका पर्सनल ईमेल आईडी है तो आप डालना चाहे तो डाल सकते हो। आधार कार्ड नंबर आपको डाल के यहाँ पे चेक क्रेडिट स्टोर वाले बटन के ऊपर क्लिक कर देना है, ठीक है। तो चलिए मैं आपके सामने यहाँ पे अपना मोबाइल यहाँ पे जो आधार कार्ड नंबर डाल भी यहाँ पे डाल देता हूँ, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे अपना जो भी आधार कार्ड नंबर यहाँ पे डाल दिया हूँ और यहाँ पे इसको क्या करना, डन कर देना। आप चाहे तो अपना एक ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, तो मैं यहाँ पे अपना एक ईमेल आईडी डाल देता हूँ। आप लोग को भी यहाँ पे ईमेल आईडी डाल, यहाँ पे चेक क्रेडिट स्टोर वाले बटन के ऊपर आपको क्लिक कर देना है, ठीक है। सो आपको फादर नाम पूछ रहा है तो जो भी आपका पापा का नाम है वो आपको यहाँ पर डाल देना है, ठीक है। तो डालने के बाद यहाँ पे चेक फॉर स्टे यहाँ पे क्लिक कर देना। दोस्तों यहाँ पे लोडिंग हो रहा है, जैसे आप सब यहाँ पे देख रहे हो, ठीक है। सो लोडिंग हो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने में दोस्तों यहाँ पे जैसे ही ये कंटिन्यू हो जाता है तो आप लोग यहाँ पे लोन के लिए कैसे अप्लाई करना है सब कुछ मैं आप लोग को इस एप्लीकेशन के बारे में बताऊंगा, ठीक है। सो यहाँ पे देख सकते हो पूरा पूरा डिटेल आ चुका है और यहाँ पे यू आर स्टिल अवेलेबल फॉर लोन यहाँ पे 3000, ठीक है। कंटिन्यू ऊपर क्लिक करके आप लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। फिर दोस्तों मैं चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ कि एप्लीकेशन रियल है या फेक है। मैंने यहाँ पे लोन के लिए तो अप्लाई कर दिया था बट मैंने यहाँ पे कंटिन्यू किया था। अगर जैसे मैं कंटिन्यू करता हूँ तो दोस्तों यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर लेता, ठीक है, और ये लोन मुझे मिल जाता। अगर ये मुझे लोन मिलता है या नहीं मिलता है ये मुझे पता नहीं, बट दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा इस एप्लीकेशन के बारे में। सो यहाँ पे आप लोग यहाँ पे इंसर्ट लोन चाहते तो आप लोग को 1 लाख रुपए तक का मिनिमम यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के साथ यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। अगर ये एप्लीकेशन यहाँ पे आप लोग को बता दें बहुत सारी, आपको यहाँ पे आपको क्या करना है, इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे नीचे सेव ऑल रिव्यूज के ऊपर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर दोस्तों यहाँ पे क्रेटल यहाँ पे पॉजिटिव वाले बटन क्लिक कर देना है और यहाँ पे क्रेटल वाले बटन के ऊपर क्लिक करूँ। सो यहाँ पे देख सकते हो भाई बहुत सारे आपको ऐसे ऐसे आप लोग के यहाँ पे कमेंट यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जैसे आप सब यहाँ पे देख रहे हो। और ये दावा होता है कि एप्लीकेशन फेक है, आपको यहाँ पे एप्लीकेशन कोई भी लोन यहाँ पे प्रोवाइड वगैरह नहीं करती है। अगर आप तब भी आप अगर अगर आप लोन लोन यहाँ पे लोन लेना चाहते हो इस एप्लीकेशन के अंदर, तब जाके आप लोग यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और छोटी सी जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर न हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। कमेंट करके जरूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।